हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एन कैरियर। फ्रेंड्स, आज के भिडियोर माध्यम आलोचना करब डीएसपी पद सम्पर्के। एक मर्यादापूर्ण पद हल ए डीएसपी पद। तुम्हारा जदि ए डीएसपी पदे चाकरी पाओ ताले तुम्हारे अंडारे विभिन्न थाना थाकबे, थाकबे कन्स्टेबल, हेड कन्स्टेबल, सब इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर। आज के भिडियोर माध्यम समस्त किछु डिटेल्से आलोचना करब। ए डीएसपी अर्थात जार फुल फॉर्म हलो डेपुटी सुपरिनटेंडेंट अफ पुलिस। तुम्हारा जदि ए डीएसपी पोस्टे चाकरी पे चाओ ताले तुम्हारे डब्ल्यूबीसीएस परीक्षा दीते हैं। डब्ल्यूबीसीएस जे चारटे ग्रुप रही है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी। तार मध्य ग्रुप बी ते रही है डीएसपी अर्थात डेपुटी सुपरिनटेंडेंट अफ पुलिस ए पोस्टी। आज के भिडियोर माध्यम डिटेल्स देखे नेब। तुम्हारा जदि ए डीएसपी पदे चाकरी पे चाओ ताले तुम्हारे एडुकेशन क्वालिफिकेशन की थाकते हबे, एज लिमिट कत की होते हबे, फिजिकल रिक्वायरमेंट केमन रही है, एक्साम पैटार्न की रही है, सिलेबस की रही है एवं तुम्हारा चाकरी पावार पर तुम्हारे सैलारी हिसाब से कत देया हबे, समस्त किछु डिटेल्स आलोचना करब। ए डीएसपी पदे चाकरी पे गेले तुम्हारे अवश्य ग्रेजुएशन कमप्लीट करते हबे जे कोनो रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थेके। तुम्हारा उच्च माध्यमिके साइंस, आर्ट्स बा कमार्स जे कोनो शाखाय हो ना केनो, शुधु तुम्हारे ग्रेजुएशन कमप्लीट करते हबे। ए ग्रेजुएशने तुम्हारा जे कोनो विभागे होते पारो, बीए अथवा बीएससी अथवा बीकम, जे कोनो विभाग थेके थेको ना केनो तुम्हारा ए पोस्टर जो आवेदन करते पारबे। तार संगे तुम्हारे बांगला भाषा पढ़ते, लिखते एवं बोलते जानते हबे। तुम्हें जदि जेनारे कैंडिडेट हो थको तेल तुम्हार बयस होते हैं 20-36 बचर बयसर मध्य। एवं रिजार्व कैंडिडेटर क्षेत्र जमन एस सी एस टी कैंडिडेटर क्षेत्र 5 बचर बयसर ऊर्धसीमा छाड़ रही है और ओबीसी कैंडिडेटर क्षेत्र 3 बचर बयसर ऊर्धसीमा छाड़ रही है। एछाड़ाओ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटर क्षेत्र सर्वोच्च बयसीमा रही है 45 बचर। এই পদে আবেদন করতে গেলে তোমাদের ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট হবে। মেল ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে হাইট হতে হবে 1.65 মিটারস অর্থাৎ 5 ফুট 4 ইঞ্চির ওপরে এবং ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে হাইট হতে হবে 1.50 মিটারস অর্থাৎ 4 ফুট 9 ইঞ্চির ওপরে। প্রথমে তোমাদের একটি প্রিলিমিনারি এক্সাম হবে, তাতে যদি তোমরা কোয়ালিফাই হয়ে যাও তাহলে তোমাদের মেইন এক্সাম হবে। মেইন এক্সামে কোয়ালিফাই হয়ে গেলে তোমাদের ইন্টারভিউ বা পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য ডাকা হবে। कैंडिडेट सिलेक्ट करा हबे मेन एग्जाम एवं इंटरव्यूर नम्बर अनुजाई। प्रिलिमिनारी एग्जाम एखाने जोग करा हय ना। प्रिलिमिनारी एग्जाम हबे टोटाल 200 नम्बर एवं कोश्चन थाकबे 200 अर्थात प्रत्येक कोश्चनेर मान एक करे। कोश्चन टाइप हबे एमसीक्यू टाइप और समय देया हबे 2 घंटा 30 मिनट। एखाने नेगेटिव मार्किंग रयेछे। प्रिलिमिनारी एक्साम क्वालिफाई हो गए तुम्हारे मेन एक्साम। मेन एक्साम टोटल 8 पेपर थक, जार मध्य 6 कम्पलसरि पेपर और 1 अपशनल सबजेक्ट थको। अपशनल सबजेक्ट 2 पेपर थक। मेन एक्सामे मोट पेपर रही है 8 पेपर 200 नम्बर को परीक्षा है। समय दे पेपर क्षेत्र 3 घंटा कर। मेन एक्सामे मोट परीक्षा है 1600 नम्बर। पेपर 1 जेखने रही है बेंगली अथवा हिंदी अथवा नेपाली अथवा उर्दू अथवा सांताली भाषा लेटर राइटिंग अथवा ड्राफ्टिंग अब रिपोर्ट करते हैं। प्रेसी राइटिंग कम्पोजिशन एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बेंगली अथवा हिंदी अथवा उर्दू अथवा नेपाली अथवा सांताली भाषा। पेपर 2 ते रही है इंग्लिश जेखने लेटर राइटिंग अथवा ड्राफ्टिंग अब रिपोर्ट लिखते हैं। तार संगे प्रेसी राइटिंग कम्पोजिशन एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम बेंगली अथवा हिंदी अथवा उर्दू अथवा नेपाली अथवा सांताली थेके इंग्लिश लैंग्वेजे। पेपर 3 ते रही है जेनरल स्टाडिज जेखने रही है इंडियन हिस्ट्री एवं जियोग्राफी। पेपर 4 रही है जेनरल स्टाडिज 2 जेखने रही है साइंस एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एनवायरनमेंट, जेनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। पेपर 5 रही है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पेपर 6 रही है एरिथमेटिक एवं टेस्ट ऑफ रीजनिंग। मेन एक्साम क्वालिफाई हो गए तुम्हारे पार्सोनलिटी टेस्टर जो डाका है। पार्सोनलिटी टेस्ट ए ग्रुप बी अर्थात डीएसपी पोस्टर क्षेत्र 200 नम्बर।
তোমাদের ইন্টারভিউ বা পার্সোনালিটি টেস্টে তোমরা কোয়ালিফাই হয়ে গেলে তোমাদেরকে ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হবে। ট্রেনিং সেন্টার আছে ব্যারাকপুর লালবাগানে, যেখানে তোমাদের ট্রেনিং চলে 1 বছর 6 মাস, যেখানে তোমাদের এই পোস্টের জন্য ইনডোর এবং আউটডোর ট্রেনিং চলে। এরপরে আলোচনা করব তোমরা এই পোস্টে চাকরি পাওয়ার পর তোমরা স্যালারি হিসেবে কত পাবে। এই পদের পে লেভেল হলো 16 এবং বেসিক হলো 56,100 থেকে 1,44,300 টাকা পর্যন্ত। ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি এই পোস্টে ডিটেলসে স্যালারি জানতে চাও তাহলে এই চ্যানেলের ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে দেখে নিতে পারো। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করবে, এবং যারা ভিডিওটা নতুন দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবে।